हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नॉवल्स फॉर नॉबल्स। पिछली दो वीडियो में मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं स्टार्टिंग में ही अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ताकि मैं भी ना भूलूँ और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ना भूलें कि मेरे चैनल का नाम है नॉवल्स फॉर नॉबल्स। तो आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टेन के आखिरी लास्ट कंप्लीटेड नॉवल के बारे में, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। तो उनके लास्ट नॉवल, कंप्लीटेड नॉवल का नाम है परसुएशन। हाँ जी, आज हम परसुएशन के बारे में बात करेंगे। और परसुएशन का आई थिंक मीनिंग होता है समझाना, बुझाना, ऐसे कुछ इसका समथिंग मीनिंग होता है परसुएशन का। तो परसुएशन नॉवल की स्टार्टिंग होती है सर वॉल्टर एलियट से, उनके इंट्रोडक्शन से कि उनकी शादी होती है और उनके कितने बच्चे हैं। उनके तीन लड़कियां हैं, एन एलियट, एलिजाबेथ एलियट और मैरी मसग्रोव। हाँ जी, मैरी मसग्रोव मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस नॉवल में उनकी उनकी जो शादी है, जो वेडिंग है, वो हो चुकी होती है। तो जो और पर्सनली मुझे इसमें भी सर वॉल्टर एलियट के कोई लड़का नहीं है, तो ऑब्वियस उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी किसी रिलेटिव को मिल जाएगी। इसमें भी जेन ऑस्टिन को मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई इस लॉ से कोई परेशानी थी, क्योंकि इससे पहले जब हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात किया था, तो उसमें भी ऐसा किसी करेक्टर को ऐसा लगता नहीं था देख के, या तो जो मेन हीरोइन है उनको भी देख के ऐसा लगता नहीं था कि उनको इस लॉ से कोई परेशानी है। तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली फील है कि उनको शायद इस लॉ से कोई कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो चलिए आज हम नॉवल के बारे में बात करते हैं, लॉ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो नॉवल की स्टार्टिंग, हाँ जी सर वॉल्टर एलियट से स्टार्टिंग होती है कि वो कैसे हैं और वो कितने अमीर हैं वगैरह, उनके कितनी तीन उनकी लड़कियां हैं, एन एलियट, एलिजाबेथ एलियट और मैरी मसग्रोव। मैरी मसग्रोव की शादी चार्ल्स मसग्रोव जूनियर से होती है, और जो एलिजाबेथ एलियट हैं और जो एन एलियट हैं, उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। तो जो इसमें बताया है कि जो सर वॉल्टर हैं, वो इतना उनके ऊपर इतना डेप्ट है कि उस डेप्ट को कम करने के लिए जो लेडी रसल होती हैं, जो एन एलियट की मदर की फ्रेंड भी हैं और एन एलियट की गॉड मदर भी हैं, वो ये सजेस्ट करती हैं कि आप इस डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी, वो आप रेंट पे दीजिए और आप लोग बात शिफ्ट हो जाइए अपने थोड़े खर्चों को रिड्यूस करने के लिए। तो वो एलिजाबेथ एलियट और सर वॉल्टर एलियट बात चले जाते हैं और जो अपना जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे देते हैं। यहाँ पे टेनेंट के उसमें आते हैं एडमिरल क्रॉफ्ट और उनकी वाइफ आते हैं एज अ टेनेंट, और जो एन एलियट हैं वो अपनी छोटी बहन के यहाँ अपर नाम भूल गई मैं इस चीज़ का, अपर क्रॉफ्ट, हाँ अपर क्रॉफ्ट जाते हैं मैरी मसग्रोव के यहाँ रहने के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो उनके घर टेनेंट रहने आए हैं मिसेस क्रॉफ्ट, उनके भाई का नाम फ्रेडरिक वेंटवर्थ है। तो यहाँ पे वो उनको यहाँ पे दिखाया कि जो लेडी रसल हैं और जो एन हैं, वो बात करते हैं कि जो फ्रेडरिक वेंटवर्थ हैं वो कम से कम एन एलियट की एज होगी 18 या 19 ईयर ओल्ड होंगी, वो तब उनकी उनसे मुलाकात होती है और वो उन जब वो उन्हें प्रपोज करते तो उनसे शादी के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि तब वो फ्रेडरिक वेंटवर्थ के पास ना इतनी तब ही हैड नो मनी एंड नो कनेक्शन। तो जो लेडी रसल होती हैं वो उन्हें प्रस्यूड करती हैं कि वो इसके लिए मना कर दें। यहाँ पे नॉवल में दिखाया है कि ऐसा होता है, तो 8 साल बाद ये सब हो रहा है वो दिखाया है। तो वो वहाँ जाती है, उन्हें पता लगता है कि उनके भाई वही फ्रेडरिक वेंटवर्थ हैं जिससे वो 8 साल पहले मिली थी। तो वो वहाँ पे उनकी मुलाकात उनसे होती है। मैरी मसग्रोव के यहाँ मैरी मसग्रोव जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, उनके दो लड़के हैं और चार्ल्स की दो बहनें हैं हेनरीटा और लुइसा, और उनके मदर फादर रहते हैं। फिर जब फ्रेडरिक वेंटवर्थ आते हैं तो वो उन दोनों से तो वो दोनों उनको बहुत पसंद करती हैं, और वो भी चार्ल्स और मैरी चाहते हैं कि उनमें दोनों में से किसी एक बहन की शादी फ्रेडरिक वेंटवर्थ से हो जाए, क्योंकि अब जब वो 8 साल बाद वापस आते हैं तो वो उनके अमीर होते हैं एज अ रिच, वो वापस आते हैं वेल्थी नेवल ऑफिसर वापस आते हैं, और उनके ही हैज़ अ कनेक्शन ऑल्सो।
तो वो चाहते हैं कि उनकी किसी बहन से उनकी शादी हो जाए। तो जब ये लोग और एन मैरी चार्ल्स और फेडरिक जब लैम जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे उनकी वो अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, फेडरिक वेंटवर्थ अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, तब वहाँ पर लुइसा जो होती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहाँ से गिर जाती हैं ऊपर से। तो ऐसा जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर एन जो होती हैं वो कहती हैं कि जल्दी से डॉक्टर को, किसी सर्जन को, डॉक्टर को बुला के लाओ। तो जब फेडरिक वहाँ पे जा रहे होते हैं तो बुलाने के लिए डॉक्टर को, तो वो उनको मना करके, वो उनके फ्रेंड होते हैं जो कि मैं फ्रेंड का नाम भी भूल गई, कैप्टन बेनविक, हाँ कैप्टन बेनविक जो होते हैं, वो उनको कहते हैं कि ये लेकर आएंगे डॉक्टर, क्योंकि वो उस प्लेस को अच्छे से जानते हैं, वो नॉन होते हैं उस जगह के। तो ये चीज़ देख के उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के जो फेडरिक वेंटवर्थ होते हैं वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं वापस उनसे। तो इसके बाद जो एन होती हैं वो अपने फादर और अपनी सिस्टर के पास बात चली जाती हैं रहने के लिए। वहाँ पे उनकी मुलाकात वापस फेडरिक वेंटवर्थ से होती है और वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके रिलेटिव से होती है, आज मैं सबके नाम ही भूले जा रही हूँ, और उनके रिलेटिव से मिस्टर विलियम एलियट से होती है। वहाँ पे उनकी मुलाकात विलियम एलियट से होती है जो मैरी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तो इसके बाद आपको ये नोवेल पढ़ना पड़ेगा कि जो फेडरिक और एन है वो कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, और वो विलियम एलियट्स को कैसे मना करती हैं, और क्या रीज़न होते हैं कि वो उनको मना करती हैं। और जो इसमें दिखाया गया बेसिकली इसमें ये लिखा गया है, दिखाया गया है सर, कि जो एन होती हैं वो फेडरिक से प्यार ही करती हैं, वो उन्हें भूलती नहीं है, वो उनसे स्टिल प्यार करती हैं, और वो उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने पहले क्यों हाँ नहीं करी। तो यही इसमें पूरे नॉवल में दिखाया गया है कि वो फिर वापस कैसे अपने लिए स्टैंड लेती हैं, जो उनको सही लगता है वो करती हैं, कैसे फेडरिक होते हैं वो एन से वापस मिलते हैं। बस ये पूरी स्टोरी है पर्सुएशन की। ये जेम, जैसे मैंने बताई, जेन ऑस्टिन का लास्ट नॉवल है, कंप्लीटेड नॉवल है जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। मैं अगर जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इसमें इतना जो एन और जो फेडरिक है उनका इतना इंट्रैक्शन नहीं दिखाया, इसमें वेंटवर्थ का और एन एलियट का इतना इंट्रैक्शन नहीं दिखाया। लेकिन हाँ ये अच्छी है, ये भी अच्छा नॉवल है, रोमांटिक नॉवल है, ये भी अच्छा नॉवल है। बट मुझे ऐसा लगा कि उनका थोड़ा और जो वो होना चाहिए था आपस में, वो इतना इंट्रैक्शन दिखाया नहीं है उनका आपस में, कम ही दिखाया उनका, बाकी लोगों के ऊपर भी ज़्यादा उन दोनों के ऊपर मेन बहुत फोकस नहीं है, वो मेन है उन्हीं के ऊपर है, लेकिन और भी लोगों का दिखाया है इसमें, ऐसा मुझे पर्सनल फील होता है कि इसमें इन दोनों का और होना चाहिए था। तो बस दैट्स इट, ये है इसकी स्टोरी समरी। और आपको ऑब्वियस ये वीडियो सही अच्छी लगी हो, तो ना भी लगे तो भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।